नमस्कार। आज हमारे कुकिंग चैनल पे हम देखेंगे शोरशे सैल्मन, यानी मस्टर्ड सीड से हम कैसे सैल्मन बनाएंगे। चलिए, अब इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपसे शेयर कर दी है। और अभी हम एक मिक्सर के जार में सरसों, बिना छिलके वाली सरसों, वाइट सरसों, येलो सरसों बोल सकते हैं आप, काली सरसों, एक हरी मिर्च और नमक को मैं एक फाइन पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट मतलब पाउडर में कर लूँगी। मैं पानी से पेस्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बाद में कभी कभी वो अच्छे से पेस्ट नहीं होता है। अब मैं अच्छे से फिशेस को, मैंने एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं आप, छोटे छोटे शेप्स में काट लिया है। अब आपको आधा कटोरी मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, नमक, और क्योंकि हमने मस्टर्ड जो मिक्स बनाया था उसमें भी नमक डाला है तो आप उसका ध्यान रखें। अब नमक और हल्दी और दो हरी चिली मैं चीर के इसमें डाल रही हूँ। अब आप इसको मिक्स कर लें और जो मस्टर्ड का मिक्स बनाया है उसको भी आप इसमें मिला दें और आधे घंटे के लिए साइड में रख दें। अब वैसे तो मुझे, मैं बंगाली हूँ तो मैं को सरसों, जो शोरशे हम बोलते हैं, शोरशे इलिश और शोरशे चिंगरी बहुत पसंद है। बट यहाँ पे जर्मनी में जहाँ मैं रहती हूँ, कोलोन में, इलिश मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बट चिंगरी मुझे मिल जाता है, प्रॉन्स मुझे मिल जाता है। तो मैंने सैल्मन के साथ ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो बहुत अच्छा आया था, तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी क्यों नहीं शेयर की जाए। चलिए, अब देखिए ये जो फिश है हम इसको ओपन एक इसमें कुक करेंगे। तो एक मैं पैन ले रही हूँ क्योंकि सैल्मन बहुत एक सॉफ्ट फिश है, तो इसलिए मैं उसको प्रेशर में कुक नहीं कर रही हूँ। अब मैं एक ओपन पैन में मीडियम फ्लेम पे ये फिश को ऐड कर दूँगी पैन में, और जितना फिश है उसका डबल क्वांटिटी वाटर डाल के मीडियम फ्लेम में कुक करने रखूँगी। और बिल्कुल इसको मतलब हिलाऊँगी नहीं या ओपन बार बार करके नहीं देखूँगी क्योंकि वो पूरा वेफर में ही इसको कुक होना है। अब देखिए 30 मिनट्स बाद कितना अच्छे से पूरा पक गया है फिश। आपको देखते रहना है, ऐसा नहीं कि आपका फिश जल जाए और आप देखे नहीं, बट आपको नोटिस करिए। और बहुत ड्राई हो जाए तो थोड़ा गर्म पानी इसमें हल्का ऐड कर दीजिए आप। और देखिए कितना बढ़िया बना है। अगर वीडियो पसंद आया है, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।